आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल केस ने पूरे इंडिया में सनसनी फैला दी है और इसके बाद डॉक्टर्स एवं आम नागरिकों की एक ही डिमांड है कि रेपिस्ट को ऐसी सजा दी जाए कि वो रेप करने के पहले सोचे। और इसी सिलसिले में वेस्ट बंगाल ने एक नया लेजिस्लेशन पास किया है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया लेजिस्लेशन, एक एंटी रेप लॉ जो कि पास हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इस एंटी रेप लॉ के फीचर्स क्या हैं, कैसे ये भारतीय न्याय संहिता से अलग है, फिर हम लोग देखेंगे एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज का अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये जो एंटी रेप लॉ पास हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसका स्पेशल सेशन बुला के इसको पास किया गया है, तो पहले भी ममता बनर्जी जो वहाँ की करंट चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई थी कि बीएनएस में ऐसे मौत की सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है, वरना वो सीधे फांसी की सज़ा दिलवाती जिन्होंने रेप किया है उनको। तो इसी सिलसिले में एक नया लेजिस्लेशन स्पेशल सेशन बुला के पास करवाया गया है जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये नया लॉ है बट ये अभी भी बिल के स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट का एसेंट जो है यहाँ पे पेंडिंग है। तो इसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, दैट इज वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। अब इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें एक अपराजिता टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का टाइम रहेगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, और हार्डली इनको 15 दिन और दिए जाएंगे अगर ये नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो। अगर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो इनको रिटन रीजंस बताने पड़ेंगे कि आखिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट हुई, और इस टास्क फोर्स को सीधे एसपी या डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हेड करेंगे। तो ये एक स्पेशल फीचर है इस अपराजिता एंटी रेप बिल का। आगे बढ़ते हैं कि और फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इस बिल के, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल फॉर दोस कन्विक्टेड ऑफ रेप, यानी वो उम्र कैद की सजा काटेंगे, वो सारी उम्र अपनी जिंदगी की जेल में बिताएंगे और उनको पैरोल नहीं मिलेगी। पैरोल मिलने का ये मतलब होता है कि वो बाहर आ सकते हैं फॉर सम टाइम, बट इस केस में ये बाहर भी नहीं आ पाएंगे एंड दिस इज अलोंग विथ फाइन, इन पे जुर्माना भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कैपिटल पनिशमेंट सीक करता है फॉर पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्शंस रिजल्ट इन विक्टिम्स डेथ और लीव हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट। अब आज आरजी कर मेडिकल रेप केस की बात ही कर लें तो उसमें उसने तो मार ही दिया उस बेचारी विक्टिम को। वेजिटेटिव स्टेट से हम लोग को कौन कौन सा केस याद आता है, हमें अरुणा शॉनबॉग केस याद आता है जिसमें वो बेचारी मोर देन 30 ईयर्स के बाद नेचुरल डेथ मरी, तब तक वो कोमा में थी, वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो ऐसा कुछ होता है तो सीधे मौत की सजा मिलेगी अपराजिता बिल में वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, पॉक्सो एक्ट दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये निर्भया केस के बाद आया था। ठीक है, इसमें फौरन गिरफ्तारी की सजा होती है और अगर इसमें आप किसी छोटे बच्चे के साथ रेप कर रहे होते हैं तो ज़्यादा सजा होती है एंड 16 to 18 ईयर्स के बीच में मिनिमम 20 साल की सजा होती है। इसके रूल्स को भी अपराजिता बिल के तहत टाइट कर दिया गया है, यानी अगर आप किसी नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहे हैं तो भी आपको सीधे उम्र कैद या इन रेयर केसेस डेथ सेंटेंस की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। फिर ₹120 crores फॉर सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ रूट्स, तो जिस भी रूट से डॉक्टर्स और नर्सेस ट्रैवल करेंगे उस रूट पे सिक्योरिटी इन्हांस कर दी जाएगी, सिक्योरिटी एम्पलीफाई कर दी जाएगी, जिसके लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने ₹120 करोड़ का सैंक्शन दिया है। एसिड अटैक के केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। अब बात ये करते हैं कि BNS ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा नहीं था कि रेप को रोकने के लिए, बलात्कार को रोकने के लिए पहले से कानून मौजूद नहीं थे। कानून मौजूद है भारतीय न्याय संहिता जिसने हाल ही में IPC को रिपील किया है, उसमें भी काफी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं। तो आखिर ये अपराजिता बिल जो वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है ये अलग कैसे है, आइए समझते हैं।
तो देखिए रेप के केसेस में बीएनएस तीन कैटेगरीज की बात करता है। सबसे पहला 12 इयर्स और लेस, जिसमें मिनिमम 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। 16 इयर्स और लेस, मिनिमम 20 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 18 इयर्स और लेस, सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस। बट वेस्ट बंगाल के अपराजिता बिल की अगर आप बात करें तो इन तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस का प्रावधान है, कोई और सजा इसमें नहीं सुनाई जाएगी। ये तो हुआ बात आपके बलात्कार या फिर रेप का। आइए गैंग रेप की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हाँ गैंग रेप की कंडीशन में क्या होगा, तो गैंग रेप में अगर आप बीएनएस को एनालाइज करेंगे तो यहां मिनिमम 10 इयर्स की सजा है। मिनिमम 20 इयर्स की सजा है बीएनएस में, ठीक है। बट अगर आप अपराजिता बिल की बात करेंगे तो गैंग रेप के केसेस में भी एलआई और डेथ का ही प्रावधान है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो भारतीय न्याय संहिता कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान करती है। इसके बाद उम्र कैद फांसी की सजा के तौर पर बढ़ाया जा सकता है। बट अगेन अपराजिता बिल में क्या है कि अगर ऐसा वो वेजिटेटिव स्टेट में भी पहुंचती है तो सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सजा है। तो हाँ आप कहेंगे कि ये ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ये ज्यादा सख्त है एज कंपेयर टू बीएनएस। इसमें एक और चीज की बात की गई है कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हैं या फिर विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, ठीक है, तो बीएनएस के तहत गैंग रेप की पीड़िता की पहचान उजागर करने, मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई छापने पर दोषी को 2 साल की ही सजा और जुर्माने का प्रावधान था। मगर ममता सरकार ने नए बिल में ऐसे लोगों को कम से कम 3 साल या अधिकतम 5 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान जो है वो कर दिया है। तो हाँ हर केस में इसने बीएनएस से ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं इस नए बिल ने, कि देखिए 2 साल का ही था, बढ़ा के 3 साल या फिर अधिकतम से अधिकतम 5 साल। यू कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि विक्टिम शेमिंग हो जाती है, ठीक है, जो रेप विक्टिम है वो एज अ विक्टिम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, वो एज अ सर्वाइवर नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो निर्भया तो अपने आप में ही एक गलत मुझे नाम लगता है, क्योंकि आज की डेट में चाहे वो किसी भी सिटी हो इंडिया की, निर्भया कोई नहीं बच गई है। सब कोई को डर लगता है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग आउट एट लेट एट नाइट तो डेफिनेटली आपको डर तो लगेगा ही, ठीक है। तो निर्भया तो नाम सही नहीं है, विक्टिम शेमिंग तो नहीं होनी चाहिए, या अपने आप को सर्वाइवर आइडेंटिफाई करना भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग इनकी आइडेंटिटी छिपा देते हैं ताकि ये लोग डिग्निफाइड तरीके से कम अगर कुछ है तो नॉर्मल तरीके से जी सके ज़िंदगी। ऑल्दो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं होती, बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, बट आइडेंटिटी सामने आने से वो और भी ज़्यादा उनको विक्टिम शेमिंग का सामना करना रहता है, करना पड़ जाता है इन आर टुडे सोसाइटी। इसीलिए पहले भी अलाउड नहीं था विक्टिम का नाम छापना, और अब कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई भी आप पब्लिश बिना पूछे नहीं कर सकते। अब मीडिया ट्रायल क्या करता है, मीडिया ट्रायल डे बाय डे प्रोसीडिंग को पब्लिश कर देता है कि ऐसा हुआ ये हुआ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डिटेल्स भी सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए बिना कोर्ट के परमिशन के आप कोर्ट की कार्रवाई को भी पब्लिश जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आर टुडेज डिस्कशन। अब मैं आपको देती हूँ फूड फॉर थॉट। ये सारे लॉज तो पहले से भी थे हमारे, राइट, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि रेप को हम लोग पनिश नहीं कर रहे थे या पनिशमेंट जो था वो डेथ सेंटेंस का भी था ही नहीं। तो जब इतने सारे लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर ये नया बिल जो है वो लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आप पहले से ही क्यों नहीं सिक्योर कर सकते हैं सेफ्टी, आप पहले से ही जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्यों नहीं बना सकते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते। आप बात करिए ना एसिड अटैक की, अभी जाऊँगी दुकान पर और 20 रुपये में मुझे एसिड मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आखिर कब बंद होंगी, आखिर कितनी निर्भया और लगेगी सरकार को जागने में। ये आपका फूड फॉर थॉट है। आप बताइए कि क्या सिर्फ नए नए लॉज लाना ही सॉल्यूशन है,
क्या सिर्फ उनको मौत, दोषियों को मौत की सजा देना ही सॉल्यूशन है? क्योंकि जिसका बच्चा गया हो तो गया ना यार, उसको मौत की सजा दे के आप क्या करोगे? रेट्रीब्यूटिव जस्टिस करके क्या कर पाओगे? व्हाई डोंट यू स्टॉप सच इंसिडेंसेस एट द वेरी बिगनिंग? क्यों पहले से ही सरकार नहीं जागती? क्यों इंडिया में मतलब लड़कियों की सिचुएशन इतनी पथेटिक है? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही सॉल्यूशन बचा है हमारे पास? और बहुत लोग कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग हो जानी चाहिए, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है कि पब्लिक बीहेडिंग होनी चाहिए। लेट मी टेल यू वन मोर केस, मतलब जो आप लोग अग्री नहीं करेंगे, इंडिया में फॉल्स रेप केसेस भी बहुत फाइल होते हैं। ये एक डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन है जिस पे लोग नहीं बात करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए आप उसको पब्लिकली बीहेड कर देते हैं और बाद में साबित होता है कि वो तो दोषी था ही नहीं, फिर उस केसेस में आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे पहलू है जिस पे गवर्नमेंट को और एज कॉमन सिटीजन्स को सोचना चाहिए। अभी डॉक्टर्स इस कानून से भी संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई थी। कैसे आपने तोड़फोड़ अलाउ किया, कैसे आपने एविडेंस की टैम्परिंग अलाउ किया? तो आज दिल्ली में प्रदर्शन है 4 बजे से जंतर मंतर पे, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी सरकार की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं छात्र। पीसफुल प्रदर्शन है, मोमबत्ती जला के ये लोग प्रदर्शन करने जा रहेंगे, बिकॉज इस लॉ से भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। एंड डेफिनेटली समथिंग नीड्स टू चेंज विद इन आर सेल्स। हमें ये सोचना चाहिए कि ये इंसिडेंसेस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हो क्यों रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉ लाना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है, सोसाइटी में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अपनी लड़कियों को देखते हैं, जो थिंकिंग बैठी हुई है सोसाइटी में, दैट डेफिनेटली नीड्स टू चेंज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था, कि बुलडोजर जस्टिस जो है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है अभी सरकार को, केंद्र सरकार को, वो कौन सा आर्टिकल वायलेट करता है? ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 19? वो वायलेट करता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। एंड इन सम केसेस आर्टिकल 14 भी ऐसा लोग अलीज करते हैं कि वायलेट हो रहा है, बिकॉज वो ये भी अलीज करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के खिलाफ दिया जाता था। तो 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पैन इंडिया गाइडलाइंस निकालने जा रही है टू स्टॉप द बुलडोजर जस्टिस। देखते हैं, डिस्कस करेंगे कि क्या गाइडलाइंस आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, वो ये है कि अंडर द अपराजिता एक्ट 2024, अपराजिता टास्क फोर्स हैज टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इज ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज या ऑप्शन डी 60 डेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपकी क्या सेंटिमेंट्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस।